ताब के दौरान बैतुल्लाह की तरफ देखना मकरूह तहरीमी, पता नहीं कहाँ से ये सब निकाल लेते हैं। हमने देखा है, अल्लाह अकबर, नकल किया है उन्होंने इब्ने जमा ने पुराने जमाने से नकल किया, किताब उनकी अलमनासी बहुत जामे है। क्या है कि बाद लोग कहते हैं कि अगर किसी ने काबा की तरफ देख लिया तवाफ के वक्त, तो उसका वो फेरा वो शौत मुलगा, दो कर लिया सब मुलगा, फिर से शुरू करे अंधा बन करके। अल्लाह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अस्वद के पास आते थे, आप मुआजहा करते एक हाथ से कहते थे अल्लाह अकबर, अब आंख बंद करके। आपको कैसे मालूम होगा कि आप हजरत अस्वद के पास है? कितनी बड़ी वल्लाह हमाकत की बातें भी लोग कह जाते हैं। कोई हवा भी खोल ले तो आप उसको कबूल कर लेंगे, चाहे वो मजहबी का हो। नहीं, ऐसा ना कीजिए। ढूंढिए कि प्यारे रसूल की सुन्नत क्या रही, प्यारे रसूल ने किस तरह उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे किसी भी मसले में। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, आप ढूंढिए कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आप कैसे किया, और फिर दो रकात सलात कैसे पढ़ी, जमजम कैसे पिया। एक एक चीज पूछते रहिए, अगर नहीं मालूम है। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म बहुत बढ़ चुका है, कोई जाहिल आदमी उसके बच्चे पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने उनको दीन की तालीम दी तो आपको सिखा सकते हैं, सीख के हज को आना चाहिए। बहरहाल तो ये मकरूह तहरीमी जिक्र किया है, और ये पूरे तौर पर 100% से 2000% गलत है।